कक्षा 10 गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमने अभी पिछले वीडियोस में देख लिया है दो विधियां, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समीकरण हल करने के लिए। आज हम इस वीडियो में वज्रगुणन विधि देखेंगे जिसके द्वारा हम दो समीकरणों को हल करते हैं। मान लीजिए दो समीकरण हमारे पास मौजूद हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ a1, b1, c1 ये संख्याएं हैं और x, y चर है। और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका फॉर्मूला ऐसे आता है, देखिए x बटे, देखिए x है तो यहाँ a निकाल दीजिएगा, यहाँ केवल b1, b2 और c1, c2 लिया जाएगा। देखिए बच्चा y को भी हटा लीजिए, केवल संख्याएं b1, b2, c1, c2। अब b1 से c2 की तरफ एरो गया है और b2 से c1 की तरफ। इस इक्वल्स टू y अपॉन, y में देखिए b संख्या मौजूद है तो उसको हटा दीजिए, a1, a2 लेंगे और c1, c2। तो c1, c2 ये है, a1, a2, ठीक है। उसके आगे चलेंगे तो c1, c2 और a1, a2 ये हुआ। इस इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब इसमें कोई चर नहीं है तो चर की जगह 1 रखें, बटे में अब c को आप ढक लीजिए, क्या बचता है, a1, a2 बचता है, b1, b2। तो ये संख्याएं यहाँ लिख लीजिए, a1, a2, b1, b2 और मल्टीप्लीकेशन होगा ऐसे ऐसे। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए x अपॉन b1, c2, b1, c2 माइनस b2, c1 ये इज इक्वल्स टू y अपॉन c1, a2 माइनस c2, a1, c1, a2 माइनस c2, a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब देखिए a1, b2, a1, b2 माइनस a2, b1। ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम हल करेंगे। इसको आप चाहे तो करके याद कर लीजिएगा, पहले ये करिएगा उसके बाद ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उस पे आधारित आप सवाल करेंगे। देखिए सवाल पे आते हैं और आपको कैसे हल करना है ये दिखाते हैं। देखिए दो समीकरण दिए हुए हैं, पहला समीकरण है 4x माइनस 7y प्लस 28 इज इक्वल्स टू जीरो। दूसरा समीकरण है 5y माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। अब दूसरे समीकरण में देखिए x बीच में दिया है और पहले में x पहले, तो हम इसको भी एकदम इसी तरह अरेंज कर लेते हैं, यानी कि माइनस 7x को पहले कर लीजिए और प्लस में 5y को y के साथ, और ये 9 तो वहीं है और 0। अब इसमें देखिए a1 क्या है, a1 बराबर 4, a2 बराबर माइनस 7, ठीक है। b1 देख लीजिए, b1 बराबर y का गुणांक है b1 यानी माइनस 7, और b2 जो है वो प्लस 5। x का गुणांक a1 है, लिख लिया है यहाँ, यहाँ लिख लिया है, और y का गुणांक b1 और b2 है, तो देख लीजिए दोनों लिख लीजिए, और c1 है 28, ये समीकरण 2 आप लिख लीजिए इसको, और c2 है 9, ठीक है। अब एकदम यही चीज़ आप जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है एकदम वही चीज़ रख लीजिए, x अपॉन b1 c2 यानी माइनस 7 इंटू 9, माइनस 7 इंटू 9 और माइनस b2 c1, b2 ये है और गुणे c1 यानी कि 5 × 28 बराबर y अपॉन, अब देखिए y अपॉन c1 a2, c1 ये है 28 और a2 ये है, यानी 28 × −7 और माइनस है फिर ये, आप चूंकि माइनस लगा इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, और माइनस c2 a1, तो c2 है 9 और a1 है 4, ठीक है, बराबर 1 अपॉन
वन अपॉन है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो ए वन बी टू यानी फोर इंटू फाइव माइनस ए टू बी वन यानी माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन, तो प्लस हो जाएगा और सेवन इंटू सेवन होता है 49। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे x का मान निकालना है तो हम दिस बराबर दिस करेंगे, और अगर y का मान निकालना है तो दिस इज इक्वल टू दिस करेंगे। तो पहले हम x का मान निकालते हैं, तो x बटे देखिए माइनस सेवन इंटू नाइन, तो सात नवा तिरसठ यानी माइनस 63, और माइनस में 5 और 28 मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका आएगा 8 पच्चीस 40 और 4 अंदूनी 10 4 14 140 आएगा। देखिए तो माइनस 63 माइनस 140, ध्यान दीजिए माइनस 7 नवा तिरसठ माइनस 63 और 28 इंटू 5, तो ये हो गया माइनस 140 इज इक्वल्स टू, बीच से y स्किप कर दीजिए क्योंकि y हमें निकालना नहीं है, y का मान नहीं, हम सिर्फ x का मान निकालना है। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस यानी 1 अपॉन 4 इंटू 5 कितना हुआ, 4 इंटू 5 हुआ 20 और माइनस 49। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 1 अपॉन 20 माइनस 49, तो ये हो गया x। माइनस और माइनस जुड़ जाएगा आपस में और चिन्ह माइनस वाले का लगेगा, तो जोड़िए देखिए, तो ये 3 हुआ 6 4 10 हुआ 1 203 बराबर 1 अपॉन, अब यहाँ प्लस और माइनस है तो घटेगा और चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, यानी कि आप देखिए अब इसमें से घटा दीजिए 9 49 में से 20, तो ये 9 सीधे उतर गया और 4 में से 2 गया 2 29, यानी कि x बराबर हो गया माइनस 203 और बटे में 29 माइनस 29, तो माइनस माइनस हट गया, हमारा x आ गया 203 बटे 29। अब चूंकि ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब y का मान आपको निकालना है, तो y का मान निकालना है तो y इज इक्वल्स टू y बटे जो आप यहाँ पे रखे थे ये चीज़ y बटे ये इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म आपको लेना पड़ेगा, तो 28 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 36 56, और चूंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन पहले लगा लीजिएगा, तो 7 36 56 5 7 14 और 5 19, ठीक है, तो ये आपका 196 माइनस में, फिर माइनस लगाइए और 9 × 4 यानी 36 इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन ये रखिए 1 अपॉन माइनस 29, ये जो आया है हमारा ये चीज़, ये y बराबर भी होगा। तो अब ये देखिए ये दोनों माइनस साइन के साथ है, जुड़ जाएगा तो जोड़िए विद माइनस साइन, ठीक है, 6 6 12 1 9 3 12 1 13 1 232 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 29, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 232 बटे माइनस 29, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और आपके पास आया कि 232 बटे 29, कटेगा नहीं, इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये तरीका है आपका वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने का। इस पे आधारित आप कुछ सवाल अगर करना चाहते हैं तो हम आपको देते हैं, देखिए पहला सवाल इस पे करिएगा आप, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये एक सवाल कर लीजिएगा, और दूसरा सवाल नोट करिए 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, याद रखिए ये वज्रगुणन विधि से आपको दोनों सवाल करने हैं। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर
एग्जाम में सवाल में ये नहीं कहता है इस विधि से हल करिए, तो आप जिस विधि से आपका मन करे, जो आपको आसान लगे, वो तरीका आप अपना सकते हैं। धन्यवाद।